हाउ आर यू डू ऑल एंड जय श्री कृष्णा गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो ठंड बहुत हो रही है आज, तो इसलिए मैं अभी तक नहा ही नहीं हूँ। आज थोड़ा लेट नहाएंगे हम, जब धूप आ जाएगी, क्योंकि अभी मुझे थोड़ा काम भी है। काम तो नहीं है, बट मेरे हस्बैंड कभी भी सुबह खाना खा के नहीं जाते हैं, तो आज उन्होंने फरमाइश करी है कि आज तू वेज बिरयानी बना। तो पहले खाना बनाऊंगी उनके लिए और फिर उसके बाद नहाएंगे लेट। सो चलिए गाइस, अभी ये ब्रश कर रहे हैं, इनसे करेंगे हम कुछ क्वेश्चन। हेलो, क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है? हम ब्रश ही नमक से करते हैं। मतलब ओ माय गॉड, तो ये खेल रहा है, इनकी कलाकारियां चालू हो गई है छोटे छोटे बच्चों की। तो ये बना रहे हैं खाना। खाने में क्या बना रहे हो? मैं वेज बिरयानी। वेज बिरयानी, चावल अलग से दिस इज माई बेबी। इधर देखो, ले पारी करो, पारी पारी करो, पारी ए पारी पारी नहीं कर रहा है ये। तो गाइस ये आ गई है मेरे लिए चावल लेके, गर्मा गर्म चावल ले। देखिए काफी अच्छी खुशबू आ रही है, अब इसको खाएंगे हम। तो कैसे बने चावल? एक नंबर। इधर देख के बोलो, शक्ल दिखाइए चावलों की। तो मैं चावल कैसे बनाती हूँ ये बताएंगे आप? एक नंबर। तो गाइस इनको मेरे हाथ के चावल ही हैं जो बहुत पसंद आते हैं और सब तारीफ करते हैं मेरे चावलों की। तो ये देखिए इन्होंने क्या हालत कर दी है मेरे यहाँ पे आके। ये पता नहीं कैसे प्लम्बर है, इन्होंने नल खोल दिया और सारे में कीचड़ कीचड़ कर दिए। चूल्हा भीगने वाला है मेरा। तो क्या कर दिया आपने ये? हाँ जी, इधर देखिए पहले। खोपड़ा खराब नहीं करना, अभी सही कर रहे हैं हम। देख लो खोपड़ा खराब, मेरे पूरी हालत खराब कर दी इन्होंने। पता नहीं क्या ही कर दिया इन्होंने, प्लास लेके पूरा खोल दिया और हमारी पूरी टंकी खाली हो जाएगी। यहाँ पूरे में गीला गीला कर दिया इन्होंने और ये मेरा चूल्हा भीग गया है। आज इनकी लगेगी क्लास मम्मी से। तो गाइस देखिए किस तरह से माहौल बना दिया है, माहौल नहीं बना दिया, सीन कर दिया, नल ही खराब कर दिया मेरा पूरा। मुझे नहीं लगता नल आज सही होगा, इतना जरूर पता है आप लोगों के लिए ब्लॉग जरूर बनेगा। पर क्या कर दिया, कैसा लग रहा है आपको झाड़ू पोछे करके? सुबह से ठंड के मौसम में सीधे कपड़े धुलवा दिए और अभी और कर दिया, नुकसान करवा रहे हैं मतलब। तो गाइस मैंने कुछ इलाज निकाला है, मैंने इसमें यहाँ पे रख दिया है ये तगारा ताकि पानी वेस्ट ना हो, क्योंकि इन्होंने बहुत तगड़ा सीन कर दिया। और हमारे मोहल्ले के भैया आ गए हमारी हेल्प करने के लिए, पानी देख के सारे आ गए कि क्या कर दिया उन्होंने। तो भैया क्या बोलोगे आप? हम लाए नल बंद करने के लिए डाटा। डाटा, डाटा मीन्स लोहे से बनी हुई वह आकृति। अच्छा, धातु। जो एक आकृति होती है, दिखाओ तो सही है क्या? हम बताएंगे आपको दो ही मिनटों में। अच्छा, लोहे की बनी हुई वह आकृति जो गोल गोल होती है, नल फिटिंग करके नल बंद करने के काम में आती है। अच्छा, उसे हम कहते हैं ढाटा। ढाटा या ढाटा या ढाटा, भी उसे यूज करके अपने घरों में ढाटा लगा के नल का परमानेंट सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। तो आइए हमारे ढाटा है कि दिखाओ दो, हमारे साथ लगाते हम ढाटा। तो ढाटा दिखाएंगे नहीं लेकिन ये लगाएंगे खाली। तो इसे कहते हैं डाटा। okay. आप कैमरे को थोड़ा दूर रहे ताकि लुक थोड़ा ढंग का दिखे। इसको दिखा दीजिए पहले। इसे कहते हैं डाटा। डाटा ये कैसे लगाते हैं डाटा को? ओके, वैसे तो इसमें अंदर कुछ कुछ लगता है, पानी सफेद टेप रहे यार, लेकिन सफेद टेप तो वो नहीं लाए, भूल गया था, दिमाग से निकल गया था। ओके, तो हम बढ़ते हैं आगे। आगे बढ़िए तो सही। हाँ हम बढ़ते हैं। हाँ जी बढ़िए, आप बढ़ी नहीं रहे आगे। कर दिया? हाँ जी कर दिया। ठीक है, ये बकवासे कर रहे हैं, कोई डाटा वाटा नहीं लगा रहे। नहीं हम लगा रहे हैं गाइस डाटा, आपको यकीन नहीं है, आप दो मिनट में देखिए हम लगाएंगे। ऐसे कैसे नहीं लगाएंगे, देखते हैं आपको डाटा तो हम करते होंगे। तो इसको ऐसे। ओके, ओ शिट, एक मिनट ये देखिए, इन्हें कुछ नहीं आता, ये डाटा करते हैं बस। मेरे व्हाट्सएप पे टेक्स आया था, मैं देख रहा था, बाद में देखूंगा। अरे भाई मुझे लगा इम्पोर्टेंट काम भूल गए।
तो गाइस अभी लगा रहे हैं क्या ढाटा ढाटा okay. मेरे को लग रहा है मैं कुछ गड़बड़ कर गया मैं तो गाइस इन्हें कुछ नहीं आता है इसी बकवासे करते हैं देखो तो सही थे ये बकवासे करते हैं बस तो लग गया ढाटा हो गया पानी टप टप तो मम्मी तो नहीं आई गांव से और मम्मी ने भेज दिया है हमारे लिए सामान इन भैया के हाथ ये देखिए भैया सामान लेके आ गए क्या क्या भैया इसके अंदर आटा आटा और छाछ तो मम्मी ने छाछ और आटा भेजा है हमारे लिए लेकिन मम्मी नहीं आई है तो पता नहीं कितने दिन रहना पड़ेगा मम्मी के बिना लेकिन मम्मी ने फिर भी हमारे लिए छाछ भिजवा दी ताकि बच्चे छाछ पी ले तो थैंक यू सो मच भैया अब भैया को पानी पिला रहा है बाद में करते हैं बात तारीख हे गाइस गुड इवनिंग तो शाम हो चुकी है एंड आई एम फील वेरी लोनली बिकॉज मेरा बेटा अभी तक सो रहा है वो शैतानियाँ करता है बट सोचा तो अच्छा नहीं लगता मुझे उसके बिना एंड वन मोर थिंग आई एम ग्लैड कि आप लोगों को मेरी वीडियो बहुत 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 अच्छी लग रही है एंड कुछ लोग हैं जो मेरी लाइफ के बारे में पूछ रहे हैं जानना चाहते हैं उन्होंने मुझे कमेंट किया कल कि अपनी लाइफ के बारे में बताइए तो बस मैं यही कहना चाहूँगी कि गिव मी सम टाइम एंड आई विल पोस्ट सून अबाउट माई लाइफ माई लव लाइफ माई जर्नी एवरीथिंग सो थोड़ा टाइम लगेगा उसके लिए अभी शुरुआत है तो छोटा मोटा करते हैं एंड थोड़ा सा वेट कीजिए आप लोग मैं बहुत जल्द पोस्ट करूँगी मेरे बारे में स्पेशली मेरी दिल्ली से लेकर राजस्थान तक की शादी का सफ़र कि कैसे कैसे क्या हुआ बट उसके लिए थोड़ा टाइम लगेगा अभी बस मैं यही कहूँगी जब तक के लिए आप प्लीज़ मुझे सपोर्ट करते रहिए सारे वीडियोस में कमेंट कीजिए अच्छे अच्छे कुछ ना पसंद आए तो उसके बारे में बताइए ज़रूर बताइए ताकि मैं उसको प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकूँ और तो क्या ही बोलूँ अपने बारे में मैं बहुत फ़नी टाइप की हूँ मतलब फ़नी नहीं बोलूँगी जैसे कि किसी से भी मिलती हूँ तो एकदम से फ्रेंड बन जाते हैं हम लोग सो गाइस शाम हो चुकी है और अभी मैं गई थी मार्केट कुछ शॉपिंग करने के लिए और यहाँ पे ये बदमाशी कर रहा है रास्ते के अंदर ये देखिए बीच रोड में रुक गया पता नहीं किसके घर में जाना चाहता है लड़का आ जाओ नमे आजा 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 अब इसको पकड़ के मुझे जाना तो अभी शाम हो गई है और मैं जा रही हूँ घर अपने बाबू के साथ और ये बहुत ज़्यादा परेशान करता है मेरे को फुल मस्ती के मूड में रहता है ये लड़का तो हमारे यहाँ एक नया मॉल खुला है रिलायंस मॉल हम वहाँ पे गए थे अभी और बहुत ही अच्छा लगा उस मॉल में जाके इस शैतान बच्चे के साथ तो शाम हो गई है अब जाके हम बनाएंगे खाना खाना खाइए हेलो कर दीजिए आप कैमरे में दिख रहे हैं आई डोंट नो कौन है ये बच्चा बट मुझे देख रहा था तो मैंने इस ब्लॉग में ले लिया तो मिलते हैं घर जाने के बाद ये रास्ते में रुक के पत्थरों से खेलने लग गया इसे बहुत ही मज़ा आता है पत्थरों में खेलने में यहाँ से बाइक आ रही है तो थोड़ा उसके तरफ ध्यान देना पड़ेगा वरना भग जाता है अभी लड़का देखिए रास्ते में रुक के ही पत्थरों से खेलना शुरू हो गया है कहाँ जा रही हो तो गाइस गाय आ गई थी मेरे पीछे में पता नहीं किसके घर में घुस गई सॉरी वहां से गाय मेरे पीछे पड़ गई आंटी की भगाने के लिए और मैं आंटी के घर में घुस गई बिना पूछे ऐसे घुसना अच्छा नहीं लगता लेकिन आप देख सकते हैं वो देखिए वो गाय मेरे पीछे पड़ गई थी तो मुझे किसी के घर में घुसना पड़ा सो मैं आ चुकी हूँ घर और आप लोगों को दिखाती हूँ मैं क्या क्या लेके आई हूँ अभी सो ये देखिए गाइस मैं लेके आई हूँ पोटैटोस आलू और साथ में मैं लाई हूँ बाबू के लिए अमूल की लस्सी ये एंड इसे इसने पहले ही खोल लिया है इसके लिए केक लाई हूँ इसके लिए एक और लस्सी लेके आई हूँ एंड धनिया एंड मेरे बाबू के लिए मैं लाई हूँ बनाना और इसके लिए मैं लेके आई हूँ एक और लस्सी
और मैं इसके लिए इसके लिए नहीं, घर के लिए लाई हूँ सफोला ऑयल। तो अब मैं बनाने जा रही हूँ आलू के पराठे। ये देखिए हमारा मसाला हो चुका है रेडी विद दही, एंड इसके साथ मैं अपने लिए लेके आई हूँ बटर, क्योंकि मुझे बटर पसंद है और उनको दही, वो दही से खाएंगे अंदर से। तो फटाफट से जिसको भी खाने हैं आ सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। थैंक यू।